Uh, we will be continuing the series of our, this house property and we will be talking about the rules that we were you know uh, discussing that is with respect to our interest on capital borrowed. So first we will start for a let out property because as I mentioned that we have two sorts of our properties one is our let out and the another one is our self occupied property. So, as mentioned, let out ki case may suppose karo hamne, you know, we have taken a loan and loan is taken for what for the construction of the property, let's say for the renewals, any sort of renewals we are going for the property, any sort of art, let's say reconstruction, purchase, right. So, if you have taken a loan for these particular purposes, right, and uh, another point is to be kept into mind. जो हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल ऑन योर एक्रूअल एक्रूअल बेसिस बेसिस का मतलब ये हुआ वेदर यू हैव पेड द इंटरेस्ट और नॉट पेड दैट मीन्स द इंटरेस्ट इज यू नो स्टिल इन दैट कंडीशन दैट इट इज टू बी पेएबल राइट सो इट डजेंट मैटर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट द इंटरेस्ट इज टू बी टेकन अप ऑन टू योर एक्रूअल बेसिस एंड द बेनिफिट दैट यू आर गोइंग टू गेट इज फॉर द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट दैट यू हैव पेड फॉर दिस लोन राइट सो जितना आपने कैपिटल बोरो करा है उस कैपिटल के ऊपर आपने जितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफ करा होगा दैट विल बी गिवन एज अ डिडक्शन नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लेट आउट प्रॉपर्टी इन केस ऑफ योर लेट आउट प्रॉपर्टी दिस एंटायर अमाउंट ऑफ योर इंटरेस्ट राइट वेदर द इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू योर करंट इरियड करंट इयर और योर यू नो इट रिलेट्स टू योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ना ये करंट ईयर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब ये हुआ सपोज करो कि मैंने लोन लिया है टू बाय प्रॉपर्टी करेक्ट सो वो लोन जो है मेरा अभी भी आउटस्टैंडिंग है यानी कि मैंने अभी इस पर्टिकुलर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में पे ऑफ नहीं करा है राइट सो इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग करेक्ट सो टू सॉर्ट ऑफ यू कुड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बॉरो की बात करते हैं उसमें हमारे टू फर्दर है वन मुझे जो इंटरेस्ट जो मैंने कैपिटल बॉरो करा है वो इंटरेस्ट मेरा करंट ईयर से परटेन कर रहा है या किसी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड से परटेन कर रहा है राइट right. सो so, अगर मेरा करंट ईयर से पर्टेन कर रहा है और इस साल में समाहौ अक्टूबर नवम्बर में उस लोन को मैंने पे ऑफ कर दिया कम्पलीटली आई हैव यू नो जस्ट पेड ऑफ दैट लोन सो इन केस जब मैं करंट ईयर का इंटरेस्ट जैसे हम नॉर्मली कंप्यूट करते हैं तो मेरा इंटरेस्ट कितना कॉम्पोनेंट का कितने का होगा अप्रैल से लेके जो दिसंबर तक का पीरियड है अगर मैं सपोज करती हूँ कि मैंने दिसंबर में पे ऑफ कर दिया लोन सो so मैं इतने पर्टिकुलर पीरियड का जो है इंटरेस्ट मैंने जो पे ऑफ करा बैंक को उस अमाउंट का जो है आई बी क्लेमिंग एट डिडक्शन फॉर द कैटेगरी करेंट ईयर राइट बट सपोज इस साल मैंने लोन पे ऑफ करा ही नहीं है देन इन दैट केस एंटायर पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू योर मार्च फॉर दैट इंटायर पीरियड जो है मुझे लोन जो है मेरा उसके ऊपर लोन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट मैंने पे ऑफ करा फॉर दैट इंटायर ईयर डेट वुल बी अवेलेबल दैट इंटरेस्ट का जो है डिडक्शन का बेनिफिट वुल भी अवेलेबल राइट सेकेंड कैटेगरी मैंने बताई कि इंटरेस्ट जो हम कैपिटल बॉर की बात कर रहे हैं वो करेंट ईयर से हो सकता है या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब की यानी कि जब मैंने घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यू नो विन द सेम मैंने जो लोन है कंस्ट्रक्शन से पहले या घर को खरीदने से पहले ही लोन ले लिया था डाटस इज कॉल्ड योर प्री कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन होने से पहले का आपका टाइम पीरियड राइट नाउ अगेन इसके ऊपर हम बात करेंगे कि, कि जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की हम बात करते हैं दिस बेनिफिट इज यू नो अवेलेबल ओनली वेन लोन फॉर द्रक्शन अगर आप लोन ले रहे हैं uh, रिनीूवल है कुछ शॉर्ट की रिकन्स्ट्रक्शन करवाने तो ये पीसीपी का पीरियड जो है इसका इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है आपको नहीं अवेलेबल होगा डैट इज वेरी क्लियर देन यू हैव ओनली वन बेनिफिट डेट इज द इंटरेस्ट फॉर यूर करेंट इंड But when I say that you know you are getting a benefit for your pre construction period, which is a PCP interest benefit that will only be available, construct to construct ya acquire because name itself indicates it is a pre construction period interest benefit that you are getting. So, if you are utilize, you if you think that you have you know taken a loan for some renewals or reconstruction and you can claim the benefit or the deduction for this PCP category, then no. You are not, you are not eligible to claim that benefit. राइट सो वेदर हम बात करें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की या लेट आउट की ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का बेनिफिट है ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए ही अवेलेबल है नाउ पॉइंट इज कि ये बेनिफिट को कैसे कंप्यूट किया जाए तो हम क्या करते हैं वी कंसिडर टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सो द स्टार्टिंग पॉइंट रिमेन्स जब आपने लोन को लिया दैट इज द डेट ऑफ बोरिंग ऑफ योर लोन जब आपने लोन को बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करा राइट एंड इस पीरियड को हमारा एंडिंग पॉइंट क्या होगा इट विल बी एंडिंग देंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च जो भी आपको थर्टी फर्स्ट मार्च आएगा बिफोर योर डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ एक्विजेशन क्योंकि हमने कहा कि यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे एक्विजेशन की सो जब भी आप अपने घर को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है या आपने घर को यू नो खरीदा उससे जस्ट बिफोर थर्टी फर्स्ट मार्च जो भी आएगा उस पीरियड तक उस पॉइंट तक जो है वो हमारा एंडिंग पॉइंट होगा राइट right? या फिर जब आपने जो लोन है उसको रीपे करा सो वी हैव टू चॉइसेस एंडिंग पॉइंट को लेकर इधर इट इज अ 31 मार्च बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ एक्विजिशन और योर डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ योर लोन व्हिच एवर कम्स दी अर्लियर राइट सो इन दोनों पॉइंट के बीच में जितना हमारा टाइम फ्री मिलेगा वो जितना भी टाइम फ्रेम हो उसके के लिए आप कंप्यूट करेंगे आपका इंटरेस्ट कितना आपने पे ऑफ करा है चाहे वो टाइम फ्रेम आपका दो सालों का चार सालों का पांच सालों का आएगा ठीक है उस टाइम फ्रेम का जितना आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट था कितना आपने यू नो बोरो करा कब आपने उसको रीपे करा या फिर आपकी कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने निकाला उसका यू नो इंटरेस्ट कॉम्पनी अब वो सारा इंटरेस्ट का पैसा जो है आपको वन गो में नहीं मिल जाएगा बेनिफिट

मैं सपोज करूं 16 में अगस्त में और कंस्ट्रक्शन दैट मींस तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हुआ 2016 अगस्त इज दी स्टार्टिंग पॉइंट अब एंडिंग पॉइंट क्या होगा मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन मेरी अगस्त 2020 में कंप्लीट हुई सो so, अगस्त 2020 से पहले 31 मार्च कौन सा आएगा आपका 31 मार्च 2020 राइट ईदर यू टेक दी एंडिंग पॉइंट एज़ 31 मार्च 2020 और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन ना सपोज की लोन जो मैंने रीपे करा वो दो हजार बाईस में जाकर रीपे करा राइट सो इस केस मेंट है डेट मींस दर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी इट कम्स बिफोर योर डेट ऑफ रीपेमेंट विच इज योर बी इन दिस केस इज एज्यूमिंग समवेयर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो नाउ इन दिस केस योर टाइम फ्रेम वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट वुल बी योर

और वो जितना भी टोटल अमाउंट आपने पे ऑफ करा है आपको वो फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उसका बेनिफिट मिलेगा और वो बेनिफिट स्टार्ट कौन सी होंगी फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का स्टार्टिंग पॉइंट होगा जब आपने लोन लिया था राइट सो इन दिस केस इफ वी सपोज की में अगर हमने लोन लिया था सो इट विल फ्रॉम 2017 थाउजेंड 2022 यू विल गेट इट इनटू फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट्स राइट ये आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड से रिलेटेड है सो टू थिंग्स आर देयर इन केस ऑफ योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नंबर वन the benefit is available for both the self occupied and the let out property number 2 that is this benefit is available only for the purpose of the construction and the acquisition of the property and another point that you would like to you may add on that this benefit is not available into the one go it is available into five equal installments right so let out ke case me, aapko current year ka benefit mila pre construction period ka mila and without any maximum ceiling डेट मीन्स कोई अपर सीलिंग नहीं है कि जितना भी आपका इंटरेस्ट का पैसा है वो फुली डिडक्टेबल है चाहे वो दो लाख है पांच लाख है जितना भी अमाउंट आपका आएगा ये इंटरेस्ट जो आपने पे ऑफ करा है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑन दी लोन डैट डैट यू हैव टेकन टू बाय आउट अ प्रॉपर्टी डाटस फुली यू नो डिडक्टेबल बट वेन वी टॉक अबाउट दिस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी देर इज एन अपर सीलिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में आपकी एक अपर सीलिंग रहती है वो अपर सीलिंग क्या होती है अगेन उसके लिए हमारी कुछ कंडीशन अप्लाई होती है कंडीशन क्या है फर्स्ट कंडीशन इज द सेम एज यू लेट आउट की ये जो लोन है आपने एक्विजेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए ही लेना होना चाहिए ठीक है और वो जो घर आपने खरीदा या कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हैं वो फर्स्ट अप्रैल 1999 ऑनवर्ड्स होने चाहिए डेट मींस डेट एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी और द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी शुड नॉट यू नो फॉर विच द प्रॉपर्टी द लोन हैज बीन टेकन इट शुड नॉट बी हेल्ड बिफोर योर दिस फर्स्ट अप्रिली नाइन का कट ऑफ डेट से सो इट द लोन शुड बी टेकन आफ्टर ऑन और आफ्टर योर फर्स्ट ऑफ अप्रिली नाइन देन जिस कंस्ट्रक्शन के लिए आपने प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया है ये कंस्ट्रक्शन आपकी फाइव इयर्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए अगर ये कंस्ट्रक्शन आपकी फाइव इयर्स में कंप्लीट नहीं होती है तो ये आपको जो बेनिफिट है इंटरेस्ट का वो आपको सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में नहीं मिलेगा थर्ड कंडीशन इससे रिलेटेड क्या है जो हमने इंटरेस्ट पे ऑफ करा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेशन होना चाहिए सिंपली कह देना कि मैंने लोन लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया वुड नॉट बी सफाइज राइट यू हैव टू make sure you have to provide a counter proof that this is a certification by the bank ye mera certification hai appropriate authorities ke through that yes maine itna interest ko component jo hai apne financial jo uh, institutions hain be bank or any other financial institution उनको लोन के ऊपर जो है इतना पैसा इंटरेस्ट का दिया है अगर आप इन तीनों कंडीशंस को मीट करते हैं दैट इज आपने लोन जो है एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया और वो जो लोन है फर्स्ट अप्रैल

बट अगर आप इन कंडीशंस को मीट नहीं करते हैं यानी कि आपने जो लोन लिया है रिपेयर्स के लिए ले लिया या रिन्यूवल्स के लिए लिया राइट करंट ईयर की भी अगर मैं बात करूं तो आपने यू नो जो लोन लिया है पीसीपी में रिपेयर्स के लिया रिन्यूवल्स के लिए लिया या लोन जो है नाइनटीन नाइन्टी से पहले लिया राइट या आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन जो है आपकी पांच सालों में कंप्लीट नहीं हो रही है So, जो आपकी अपर सीलिंग है दैट विल गेट रिड्यूस विल गेट कर्टेल टू टूर रुपीस थर्टी पूरा आपका स्लैश डाउन हो जाएगा टू लाख रुपीज से वो कितने पे आ जाएगा आपका थर्टी थाउजेंड के थर्टी uh, थाउजेंड आपकी लिमिट जो है वो कर्टेल हो जाएगी Case mein, that will get reduced only in case of your self occupied and then to if you are not meeting the conditions. If you are meeting the conditions, then fine enough, you are pretty much aware you know eligible to claim the benefit for this under section 24 subsection B for the interest on capital borrow and up to a maximum ceiling of your rupees 2 lakh rupees. Right, so that is the major, you know, uh, point of discussion. Whenever we talk about this income under the head house property, this very component which pertains to your Section 24B, it is, you know, very minutely to be understood. This is, you know, one such concept. Just you need to be very, you know, uh, uh, very, uh, you could say, active or very, uh, you know, uh, mindful about the same regards to your terms and conditions. Right now. हाउस प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं हमने कंपटीशन की बात कर ली जैसे हमने इनिशियल फॉर्मेट में बात करी कि हमारा फॉर्मेट कैसे रहेगा जीएवी होगा से टैक्सेस को माइनस करेंगे हमारे पास एनएवी आ जाएगी एंड देन डिडक्शन अंडर ट्वेंटी है ए के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको एट दी रेट यू नो थर्टी परसेंट फ्लैट डिडक्शन मिलती है ट्वेंटी बी में हमने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बॉडोड की डिडक्शन बोथ करंट ईयर की एंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में हमारे पास अपर सीलिंग है दो लाख तक की Otherwise self-occupied case mein, GAV would be nil, your NMV will be nil, similarly, your standard deduction will be nil. So, you will get a benefit only for the if you have taken any interest for the property that you have taken.

सिंपल एज इट एस क्योंकि वो प्रॉपर्टी है तो उसकी कॉम्पिटिशन किस हिसाब से होगी जो मेरा प्लॉट है उसको मैंने हाफ जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है मेरा एंड हाफ इज माई लेट आउट दैट मीन आधे को मैंने किराए पर दिया है सो so, उस केस में जो है आपकी कॉम्पिटिशन जो है अगेन

कि मेरा एरिया नहीं डिवाइड कर रही हूं मैं कि हाफ लेट आउट है या हाफ सेल्फ ऑक्यूपाइड है मैं सिंपली कह रही हूं कि मैंने एक प्रॉपर्टी जो है उसको चार महीने के लिए मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड थी एंड रिमेनिंग जो एट मंथ्स है उसके लिए मैंने क्या करा प्रॉपर्टी को लेट आउट पर दे दिया सो so, उस केस में आप टाइम फ्रेम के हिसाब से डिवाइड नहीं कर सकते हैं की चार महीने का कॉम्पिटिशन आपने सेल्फ ऑक्युपाइड के हिसाब से कर लिया एंड रिमेनिंग एट मंथ्स का जो कॉम्पिटिशन आपने लेट से लेट आउट के हिसाब से कर लिया नो दैट वुड नॉट अप्लाई इन दैट केस केस में क्या होगा एंटायर प्रॉपर्टी जो आपकी है दैट वुड बी यू नो द कॉम्पिटिशन विल बी डन एज पर योर लेट आउट रूल्स तो लेट आउट के रूल्स के हिसाब से आपकी कॉम्पिटिशन होगी पूरी प्रॉपर्टी की पूरे बारह महीने के हिसाब से टाइम फ्रेम के केस में जब टाइम फैक्टर होता है तो हम यू you नो know, सिर्फ और सिर्फ लेट आउट के रूल्स जो है वो अप्लाई करते हैं लास्ट केस इसमें हमारा ये रहेगा सपोज करो फॉर द यू नो आई ड्यू टू सम सम एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट सपोज आई आई एम हैविंग अ प्रॉपर्टी इन एंड ड्यू टू टू हैव यू कुड से गो इन मुंबई राइट सो इन दैट केस मैंने प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं करा क्योंकि मेरी एम्प्लॉयमेंट क्या है एम्प्लॉयमेंट कहां पर है मुंबई में सो so उस केस में मेरी जो प्रॉपर्टी की कॉम्पिटिशन होगी वो कॉम्पटिशन होगी सेल्फ ऑक्यूपाइड की रूल्स के हिसाब से Right. the competition would not differ just because of the fact that I have shifted from Delhi to Mumbai. So that, uh, you know, the competition would not differ because why I have left the property, why I am not occupying the property, it is because for the employment purpose that I have left the property behind and I'm, you know, going to this Mumbai for any employment purposes. So in that case, my competition of the property will be done as per my self-occupied rules. Right now. एक और हमारा जो सेक्शन अबाउट दिस हाउस प्रॉपर्टी विच इज वर्थ डिस्कशन इज योर सेक्शन ट्वेंटी फाइव ए अब हमने बात करी थी इनिशियली जब हमने जीएवी कंप्यूट करा था जीएवी में स्टेप नंबर टू में वी टॉक्ट अबाउट एक्चुअल रेंट और जिसमें से हमने डिडक्शन प्रोवाइड करी थी अंडरलाइज रेंट की करेक्ट

लेट इट बी कि दो साल बाद मिला मुझे लेकिन रिकवरी तो हो गई और वो पैसे का ऑलरेडी मैं डिडक्शन जो है क्लेम कर चुकी हूं उस पर्टिकुलर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में करेक्ट सो नाउ व्हाट हैपेंस कि जिसके मैं डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर चुकी हूं क्योंकि मैंने क्या दिखाया है कि टेनेंट जो था डिफॉल्टेड था वो फैक्ट भी था कि टेनेंट ने पैसा नहीं दिया था मेरा किराए का राइट right. तो मेरा वो रेंट क्या था अंडरलाइज था बट इस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में क्या हुआ मेरा जितना भी अंडरलाइज रेंट था वो मेरा रिकवर हो गया जितना मेरा टेनेंट ने डिफॉल्ट करा था उसने कहा कि वो जो दो महीने का पैसा है नाउ यू कैन यू नो गिविंग बैक टू मी सो नापन सेक्शन ट्वेंटी कहता है क्योंकि पहले आपने डिडक्शन क्लेम कर ली है उस रेंट के ऊपर आपने टैक्सेस नहीं पे करे और अब वो जो अंडका रिकवर हो गया है सो नाउ यू आर सपोज टू पे दी टैक्सेज ऑन टू सच अंड नाउंग रिकवर्ड बाई द Honor, since the has paid the से रिलेटेड, राइट टेन थाउजेंड रूपीज ना अब वो इस रेलिवेंट प्रीवियस में रिकवर कर लेती हूँ मुझे वो सारा पैसा मिल गया तो गवर्नमेंट से टैक्स ऑन टू द सेम राइट सो टैक्सेस जब मुझे पे करने हैं तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी जितना पैसा मुझे रिकवर हुआ मींस मीन्स अस सपोज टेन थाउजेंड रुपीज मुझे रिकवर होते हैं सो so, उसमें से वो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने के बाद क्योंकि उसके ऊपर मैंने ठीक है आई हैव टेकन डेट अंडरलाइज रैंक का यू नो बेनिफिट बट वो तो जीएवी का पॉइंट था और हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन कब आती है डॉट कम्स मच आफ्टर योर जीएवी कॉम्पिटिशन बिकॉज वी से जी में से म्यूनसिपल टैक्सेज माइनस करें एनएवी आया और एन से हम जो है फर्दर आपको ए uh, का एंड का डिडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं सो का डिडक्शन था हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट थर्टी परसेंट सो जो आपने टेन थाउजेंड रुपीज रिसीव करे हैं उस दस हजार रुपए में से हमने क्या करा स्टैंडर्ड डिडक्शन दी अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर ए राइट और वो थर्टी परसेंट के हिसाब से मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन दी अगर मैं कहती हूं कि मेरा दस हजार रुपए रिकवर हो गया जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था दो तीन साल पुराना पैसा था इस साल रिकवर हो गया तो तीन हजार रुपए फ्लैट थर्टी परसेंट के हिसाब से डिडक्शन क्लेम करने के बाद जो बाकी के सात हजार रुपए आपके पास बचेंगे द रिमेनिंग सेवन थाउजेंड रुपीज दैट विल दैट हैव बीन रिकवर्ड विल बी चार्जेबल टू टैक्सेस अंडर सेक्शन ट्वेंटी फाइव ए ज द मेजर थिंग वेन वी टॉक अपॉन यू नो आर इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी जब भी हम इनकम की हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बात करते हैं ये मेजर पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए राइट नाउ पॉइंट कम्स कि जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं ठीक है लेट आउट केस में मैंने अपना वैल्युएशन दिखाई म्यूनिस्पल टैक्सेस का बेनिफिट लिया या स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट लेने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखा दी कि मेरी कितनी इनकम हुई बट सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मेरी ना तो कोई ग्रॉस एनुअल वाली थी क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड था ंगली मेरे म्यूंसिपल टैक्सेस का डिडक्शन भी नहीं बनता एनएवी भी नहीं बनता राइट सो बट मैं ट्वेंटी फोर बी के अंदर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड का बेनिफिट ले रही हूँ क्योंकि चाहे घर पर मैं खुद रह रही हूँ उस घर के लिए उस रेजिडेंशियल पर्पज के लिए भी मैंने लोन लिया एंड गवर्नमेंट अगर आपने लोन लिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड के अकॉर्डिंगली आपको करंट ईयर एंड पीसीपी का दोनों का मर्ज करके टू लाख रुपीज तक आपका सीलिंग के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर बी स वॉट कि जब हम सेल्फ ऑक्युपाइड की बात करते हैं डेट इज नॉट माई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड केस में इट विल बी माई लॉसेज फ्रॉम दाउस प्रॉपर्टी बिकॉज देर इज नो इनकम बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ द फार दैट दिस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड सो सेल्फ ऑक्युपाइड केस में आपके पास लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा ठीक है एंड विच यूल डू वॉट यूल सेट इट ऑफ टू फ्रॉम योर अदर इनकम डैट इन केस यू आर रिसीविंग फ्रॉम एनी लेट आउट प्रॉपर्टी और अदरवाइज क्या होगा आपको डिडक्शन मिल जाएगा उसका राइट सो so, ये जो माइन्यूट है कुछ न्यूंस है हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम अंडर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कम्पोजिट रेंट के राइट हमारे चार्जेबिलिटी कंडीशन क्या होंगी एज पर सेक्शन ट्वेंटी टू देन वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अप ऑन की हमारे फोर डिफरेंट केसेस क्या रहेंगे कि किस केसेस में किस हिसाब से हमारी कॉम्पिटिशन होगी चाहे हम लेट आउट की बात कर रहे हैं चाहे हम सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात कर रहे हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट की म्यूनिसिपल टैक्सेस तो म्यूनिसिपल टैक्सेस में भी हमने क्लैरिफाई करा कि म्यूनिसिपल टैक्सेस का बेनिफिट कब मिलेगा कि जब वो हमारे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के होंगे और जब वो हमारे एस एस सी के थ्रू पे ऑफ होंगे रेदर देन टेनेंट के थ्रू राइट सिमिलरली वी टॉक्ड अपॉन कि हमें डिडक्शन कब मिलेंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बॉरिट की स्पेसिफिकली और हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा सी इट इज वेरी इजी इट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट सिंपलेस्ट पिलर ऑफ आर यू नो इनकम टैक्स जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं हमारे फाइव पिलर ऑफ इनकम टैक्सेज हैं विच इज यज हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन्स राइट पीजीबीपी अदर सोर्सेज सो हाउस प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वॉन्ट टू यू नो कम्प्यूड बिकॉज दे आर नॉट मच यू नो रू

otherwise it is very easy you know to compute your gross annual values which again further depends on to four sub parameters right which is your municipal valuation fair rental values your standard rent your actual rent received right then further talking about ki we humne underlies rent recovered ki kari that was very easy to you know go for ki aapko simply apna recovering amount may say 30% reduction they rest you know will be entirely टैक्सबल सो विल बी यू नो दिस इज ऑल अबाउट योर इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी और इसी से रिलेटेड हम एक और कॉम्पोनेंट है कि कैसे यू नो प्रॉपर्टी टैक्सेस हम फाइल करते हैं बिकॉज वी हे अबाउट कि हम कैसे इनकम कंप्यूट करेंगे कि मेरी जो इनकम है उस प्रॉपर्टी से मैं रिसीव कर रही हूं उसको मुझे कैसे कंप्यूट करना है फर्दर सीरीज में विल बी टॉकिंग अबाउट कि मेरी जो टैक्सेस बनते हैं जो म्यूनसिपल टैक्सेस की हमने बात करी राइट right. तो जब मैं प्रॉपर्टी टैक्सेस पे ऑफ करूंगी वो प्रॉपर्टी टैक्सेस के लिए मुझे क्या क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने होंगे किस तरीके से आज की डेट में वो सिंप्लीफाइड हो गया ऑनलाइन प्रोसेस है बिल्कुल सिंप्लीफाइड है कैसे मुझे टैक्सेस पे ऑफ करने हैं इस टॉपिक को फर्दर डिस्कशंस में फर्दर सीरीज में विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम सो थैंक यू फॉर द डे एंड अ गुड डे थैंक यू